खुदावन आप सबके साथ हो। आपके साथ ही हो। हमारे खुदावन यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावन तेरी तंजीद हो। दसवें बाब की पांचवीं आयत से हम बयान सुने। एक दिन रसूलों ने खुदावन से कहा कि हमारा ईमान बढ़ा। खुदावन ने कहा कि अगर तुम राई के दाने के बराबर भी ईमान रखते और तुम इस शहतूत से कहते कि जल से उखड़ कर समंदर में जाकर तो तुम्हारी मानता, और तुम में से ऐसा कौन है जिसका एक गुलाम हलवाहा या चरवाहा हो कि जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाना खाने गए, बल्कि उससे ये न कहे कि मेरा निशाया तैयार कर, जब तक कि मैं खाऊं पीऊं कमर बस्ता होकर मेरी खिदमत कर, इसके बाद फिर खुद खा पी लेना। क्या वो उस गुलाम का इसलिए एहसान मानेगा कि उसने हुक्म की बातों की तामील की? इसी तरह उन सब बातों की तामील के बाद जिनका हुक्म हुआ तुम भी कहो कि हम नकम्मे गुलाम है, जो करना हम पर वाजिब था वही किया। मसीह खुदावन ने मेरे अजीजों ईमान हमारे अकीदों में से और हमारे वसन में से एक ऐसी खूबी और बड़ी नेमत और बरकत है जिसके वसीला से हम खुदा के प्यार में हमेशा बढ़ते और तरक्की करते हैं। ईमान एक ऐसा फसल है जो कमजोर को भी ताकतवर बना देता, मुश्किल को भी हिम्मत और जुर्रत अता करता है, और नाउम्मीद इंसान के दिल में भी उम्मीद का दिया जला देता है। ये ईमान ही है जो इस पर भी ईमान रख
तो वो ईमान रखती है तो खुदा फिर से लाजर को जिंदा करता है। ईमान से साबत हमेशा जिंदा रहेगा। और ईमान दर हकीकत में है क्या? ये खुदा पर मुकम्मल भरोसे का नाम है, खुदा पर इत्मीनान का नाम है, खुदा के प्यार को महसूस करने का नाम है, उसकी कुदरत को पहचानने का नाम है और उसकी शुक्रगुजारी करने का नाम ईमान है। और अगर ये देखिया किसी भी साधक की जिंदगी में, किसी भी इंसान की जिंदगी में आ जाती है तो इन्हीं नेकियों के वसीला से जिंदा रहता है। ये जो तलावत हमने सुनी है महबूब नबी की किताब से, इस किताब में और इस तलावत में ये किताब का बंदा अपने लोगों को नसीहत करता है, उनके मुश्किल वक्त में नसीहत करता है, उनकी अजीब शायद तुम्हें लगता है वो देर कर रहा है, लेकिन अपने वक्त पर वो अपना जलवा जरूर साबित करेगा। इसलिए ईमान रखो, इसलिए जो है यकीन रखो, वो वक्त ले रहा है, वक्त लगाएगा, लेकिन अपना काम जरूर करेगा, वो अपनी कुदरत जरूर साबित करेगा। बस तो यही बात है जो हमें हमेशा आगे लेकर बढ़ती रहती है। एक बात है गुलाम के और ईमान के जो हमें मुसलसल जीतने का हौसला देती है, जो हमारी यकीन टूटने नहीं देती कि खुदा जरूर हमारी जिंदगी में जलवा कर होगा। और ऐसा होता है, बहुत होता ऐसा होता है, और हमेशा ही होता है कि खुदा अपने वक्त पर हमारी जिंदगी की मुश्किलों और परेशानियों को जरूर दूर करता है। तो
के रसूल यीशु के शागिर्द यीशु से दरख्वास्त करते हैं कि ऐ खुदा हमारे ईमान को भरा, हमारे ईमान को भरा। दरख्वास्त करते हैं रसूल, दरख्वास्त करते हैं कि हमारे ईमान को भरा। अब ये रसूल दरख्वास्त कर रहे हैं तो मसलसल मतवा कर यीशु के साथ है, और पिछले कई हफ्तों से हम बयान कर रहे हैं कि यीशु मसीह अपने रसूलों के साथ यरूशलेम शहर को जाने को है, जहां पर कलवरी है, जहां यीशु मसीह ने असीयत सहनी है और सलीबी मौत सहनी है, तीसरे रोज मृतों में से जी उठेगा। इस रास्ते पर इन शागिर्दों ने यीशु के भरे बोल से देखे, यीशु का जो है कलाम सुना, इख्तियार वाला कलाम सुना, बेशुमार करिश्मा देखे, यीशु के मौजजात देखे, यीशु के कामों को देखा, फिर भी कहते हैं क्या खुदावर हमारा ईमान भरा। काम किए मसलसल मेरे साथ हो, दिन रात मेरे साथ हो, और बड़ा बड़ा फिर यीशु मसीह कहता है कि इतने बड़े बड़े काम देखे हैं तो ये भी सुन लो कि ईमान के लिए बड़े बड़े काम को देखना जरूरी नहीं है। अगर राई के दाने के बराबर भी जो सबसे छोटा दानों में से सबसे छोटा है, अगर राई के दाने के बराबर भी तुम में ईमान हो तो तुम इस शैतान के तरह से कहो कि अपनी जड़ से उखड़कर समंदर में जा रहे हो, तो वो ऐसा ही होगा। इतना ईमान, इतना छोटा सा ईमान जो अपना काम दिखाए तो बहुत बड़ा काम दिखा सकते हैं। ईमान खुदा पर भरोसा रखने का नाम है, खुदा पर यकीन रखने का नाम है, और ये बात ही है। आज देखे पूजा भरा हुआ है, सुबह सवेरे आप खुदा के घर के लिए निकले हैं, अपना वक्त निकाला है, तैयार होकर उम्मीद और आस लेकर खुदा के घर में आए हैं। ये ईमान ही है जिसने आपके दिल को खुदा से बरकत पाए, खुदा से रहमत पाए और खुदा की इबादत करें। तो ईमान जो है ये हमारी जिंदगी में हमसे बड़े बड़े काम करवाता है। नेकियां भी जितनी भी इंसान करता है वो ईमान के वसीले से करता है, और ईमान जो है लागू कर उसमें ये भी है कि ईमान जो है अमाल जो है बढ़ता है। तो दर हकीकत में जब हम तो आज के दौर जो है बड़ा मुश्किल दौर है, बहुत सारे लोग तरह तरह के मुश्किलात और परेशानियों में घिरे हुए हैं। सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो आज के दौर में बेरोजगारी है, रोजमर्रा के अखराजात पूरा करने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन फिर भी एक आस और उम्मीद है खुदा के साथ पर, एक भरोसा है, एक उम्मीद है, एक इंतजार है, छोटे छोटे काम
क्रिश्चियन है उनके वो पेट्रन सेंट कहलाती है। तो जो ईमान की है जो हमें नेकियां करने पर उकसाता है, और ईमान की खूबसूरत मिसालें नमूने करतार हर जिंदगी में बिखरे पड़े हैं, हमें तलाश हमें देखने देखने की जरूरत है। और आज इस इबादत में जो ईमान की सबसे बड़ी दलील है आपको विचार करना है, अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर खुदावंद के घर में आना, ये ईमान की सबसे बड़ी दलील है और सबूत है कि आप खुदा के साथ पर ईमान भरोसा रखते हैं। और ये भरोसा रखकर ही आज आप खुदा के घर में आज मौजूद हुए हैं। आए इस भरोसे को हमेशा कायम रखें, इस एतबार को हमेशा कायम रखें, इसे और पुख्ता करें और अपनी नेक जिंदगी के वसीले से, अपनी नेकियों के वसीले से, अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार के वसीले से इस ईमान को हमेशा तरक्की देते रहें। मसीह हमारे खुदा के वसीले से, आमीन।